नवरात्रि का पावन त्यौहार लाए खुशियों की बरसात। दर्शकों, अश्विन शुद्ध प्रतिपदा से विजयदशमी तक चलने वाले इस जगमगाते त्यौहार में गरबे की धूम ना हो तो बात ही क्या। उसी उद्देश्य से दैनिक भास्कर द्वारा भव्य भास्कर गरबा का आयोजन किया जाता है, जिसके प्रैक्टिस सेशन की शुरुआत हो चुकी है। जहां बात करते हुए गरबा मास्टर शिकारी जी ने गरबा की विशेषताओं के विषय में बताया। नमस्कार, एनबीसी न्यूज में आपका स्वागत है। दर्शकों, आगामी 16 तारीख से जो नवरात्रि चलने वाली है उसी के उपलक्ष में जिस प्रकार से दैनिक भास्कर ने गरबा का आयोजन किया गया है, गरबा प्रैक्टिस का आयोजन किया गया है, इस वक्त हमारे साथ मास्टर जी मौजूद है। पिछली रिपोर्ट में भी हमने देखा कि काफी तरह से प्रोग्रेसिव रूप से उन्होंने गरबा सिखाया है। पिछले बार भी आपने गरबा सिखाया, पिछले बार भी हमने रिपोर्ट ली थी। किस प्रकार से क्या डेवलपमेंट है बच्चों में, किस प्रकार से क्राउड है और क्या रिस्पॉन्स है? ये नागपुर के जो परिवार वाले जैसे हमारे खुद का है, हम दैनिक भास्कर के आभारी है। हमारे 22 साल इधर आने हो गया, जब 22 साल से आते थे तो 5 साल के जो बच्ची रहती थी वहाँ से 60 साल के जो जेंट्स होते हैं, लेडीज होते हैं, वो सीखने आते हैं। जब पुराने जमाने के अंदर सब खेलते थे तो एक ही क्लब के अंदर खेल रहे थे, अभी देखने जाऊं तो सब ट्रेडिशनल हो गया, सब नई नई स्टाइल से होते हैं। पिछले साल हमने किया था, वो अच्छा किया था, इनसे ये साल देखने जाऊं तो बहुत बढ़िया किया। गरबा आता है, दाडिया रास आता है, इनके अंदर देखने तो ट्रेडिशनल अलग अलग आइटम भी बीच में रखते हैं। एक 3 घंटे का पूरा शो होता है, उसी तरह हम करवाते हैं। पिछले साल के मुकाबले इस साल के क्राउड के विषय में क्या कहना चाहेंगे? एक क्राउड के अंदर देखने जाओ तो किसी की शादी हो गई हो, कोई बीमार हो गए, कोई मियां पापे, कोई बाहर गांव चले गए, इनके हिसाब से क्राउड तो है, बढ़िया है, उत्साह भी बहुत है, बहुत अच्छी तरह से खेलता है। ये मेरे भाई जो अपने गौतम शिकारी, वो गुरुजी अपनी दूसरी जगह सब जगह अलग अलग ग्रुप वाले को भेजने गए हैं, उनका खत्म होगा, वो तुरंत 2 दिन में आने वाले हैं। तो गौतम शिकारी हमारा गुरुजी जी है, हम गुजरात अहमदाबाद रंग मिलन के संस्था के सब परिवार वाले हैं। ये मेरा भतीजा है, वो भी 2-3 साल से करते हैं, उस पिछले साल जबलपुर थे, जयपुर थे, ये 2 साल से अपने नागपुर आते हैं, ये भी सब अरेंजमेंट करते हैं, बहुत बढ़िया करते हैं। ये मेरा बेटा ने मैंने तैयार कर दिया। सबको जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, दैनिक भास्कर का ये जो हॉल है पूरी तरह से गरबामय हो चुका है, गरबा की प्रैक्टिस चल रही है। लाल ड्रेस में जो डांडिया लेकर खड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं पूरा अहमदाबाद, पूरा गुजरात नागपुर में उतरने वाला है। इसी के साथ देखते रहिए दैनिक भास्कर का ये गरबा और इसकी अपडेट हम अप टू डेट आपको देते रहेंगे। दर्शकों, हर साल दैनिक भास्कर नवरात्रि के पर्व को धूमधाम से मनाता है, उसी तरह इस साल भी भव्य भास्कर गरबा का आयोजन किया गया है, जिसके 10वें दिन बड़ी मात्रा में प्रतिभागियों की धूम रही। गरबा की ताल पे थिरकते प्रतिभागियों ने दैनिक भास्कर को तहे दिल से धन्यवाद दिया है और हर साल इसी तरह माँ अम्बे की कृपा से दैनिक भास्कर के भास्कर गरबा की दिव्यता और भव्यता बरकरार रहे, ऐसी शुभकामनाएं भी उन्होंने इस वक्त दी। माता दी, दैनिक भास्कर में मैं पिछले 13 सालों से आ रही हूँ और अभी भी मेरा जो इंजॉयमेंट है मुझे नहीं लगता कि कम हुआ है, बल्कि और ये मस्ती बढ़ती जा रही है। और मैं चाहूँगी कि दैनिक भास्कर ऐसे ही हमेशा इवेंट्स करता रहे और दैनिक भास्कर गरबा और दैनिक भास्कर की उम्र और लंबी हो और लंबी हो और लंबी हो। जय माता दी। इधर का जो गरबा है वो बहुत अच्छा है, मैं फर्स्ट टाइम आई हूँ दैनिक भास्कर में, बट इट्स गुड और आप लोग भी ट्राई करिए। थैंक यू, और बहुत इंजॉय हो रहा है इधर। थैंक यू। दैनिक भास्कर गरबा में आए हुए 3 साल पूरे हो गए, 3 साल में मुझे इतना अच्छा लगा है यहाँ पे, हर साल मुझे खेलना बहुत पसंद आता और ऐसा प्लेटफॉर्म मैंने आज से कहीं देखा नहीं है जो प्लेटफॉर्म मुझे यहाँ पे मिला है। डेफिनेटली मैं अगले साल भी यही चाहूंगा कि ये साल जल्दी निकल जाए और दैनिक भास्कर का गरबा आकर मैं बहुत अच्छे से खेलूं। थैंक यू सो मच। भास्कर एक हमें ऐसा मंच देता है जहां हमारी जो कला है गरबा, उसको हम और निखार सकते हैं और हम उसको अलग अलग तरह से तराश सकते हैं, जिसके कारण हमें एक मौका मिलता है और दैनिक भास्कर एक ऐसा माध्यम है जो हमें ऐसी एक अपॉर्चुनिटी देता है ताकि हम आगे बढ़ सके। गरबा सेशन में नए नए स्किल को ध्यान में रखते हुए स्लॉट टू स्लॉट नई नई स्टेप्स सिखाई जा रही है, जहां नए स्लॉट की शुरुआत होने वाली है, जिसके अनुरूप घूमर, ढकलास आदि गरबा की बारीकियों को ध्यान में रखते हुए नए स्लॉट में सहभागियों को ताल सिखाए जाने वाले हैं, जिसके विषय में जानकारी देते हुए
फनील शिकारी ने बताया कि अगले स्लॉट में चुनौतियों के साथ साथ कुछ नया सीखने का मौका सभी सहभागियों को मिलेगा। दर्शकों, कल से दैनिक भास्कर का सेकंड स्लॉट चलने वाला है, जिसके विषय में हम जानकारी लेते हैं फनील शिकारी से। दूसरा स्लॉट चलने वाला है, कल से क्या कहना चाहेंगे? कल से हम चालू करेंगे, 11 से 17 तक नया स्लॉट चालू होगा, जिसमें सब जो पुराना हुआ है वो नया करेंगे और नया भी करने वाले हैं, जैसे कि डाक क्लास है, फिर गुमर है, नए नए सो इवेंट में सॉन्ग करते वो सब करने वाले कल से हम। और क्या विशेषता रहेंगी इस नए स्लॉट में? अभी तक जो आपने सीखा क्या विशेषता? उसमें जो स्टेप्स करेंगे थोड़ा डिफरेंस करेंगे, थोड़ा बहुत आगे पीछे करेंगे और नया नया सब ऐड करते जाएंगे हम। दर्शकों, सेकंड स्लॉट में चुनौतियां बढ़ने वाली है, चुनौतियों बढ़ने के साथ साथ ही गरबा जिस प्रकार से रंगने वाला है, देखते हैं पूरा जो है नवरात्रि का सीजन काफी बड़ी मात्रा में नागपुर कर मनाने वाले हैं, बड़े उत्साह के साथ दैनिक भास्कर के साथ मनाने वाले, यही कहीं ना कहीं यहाँ कथन सत्य होता है। नवरात्रि के पावन अवसर पर मां अम्बे के आशीर्वाद से दिन प्रतिदिन सहभागियों की भीड़ बढ़ती जा रही है, जहां सभी चुनौतियों को स्वीकार कर नए नए स्टेप सीखते हुए प्रतिभागी अपनी प्रतिभा निखार रहे हैं। अब आगे देखना यह रोचक रहेगा कि भास्कर गरबा 2023 कार्यक्रम कौन सा नया मोड़ लेता है। कैमरा पर्सन अजीत कुंवर और राजकुमार मोहर के साथ मनीष ठिमरे, BCN News, नागपुर।